नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों आज हम बात करेंगे सूर्य सिद्धांत पे, हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें मैंने पहला भाव का बताया आप सभी लोगों को, दूसरे भाव में सूर्य रहेगा तो मैंने आप सबको बताया। आज हम बात करेंगे कि सूर्य यदि तीसरे भाव में रहे, सूर्य यदि तीसरे भाव में रहे, आपको दोस्तों यदि आप ज्योतिष नहीं जानते हैं तो सिर्फ आप भाव देखिए कि तीसरे भाव में कोई भी नंबर लिखा हो, सूर्य को आपको देखना है, वहाँ पे सूर्य का कौन सी राशि है, कौन से नक्षत्र में है, वहाँ से उसका फल में कमी और बढ़ोतरी जो है वो होगी। लेकिन यदि आप सिर्फ जनरल भी देखेंगे तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। यानी सूर्य यदि आपकी कुंडली में तीसरे घर में है तो आपके जन्म के बाद आपके पिताजी के लाइफ में बड़ा परिवर्तन होता है। आपके जन्म के बाद पिताजी के लाइफ में बड़ा परिवर्तन होता है, उनका स्थान परिवर्तन होता है। यदि वो जॉब में हैं तो जॉब में परिवर्तन होता है। यानी लाइफ में कुछ न कुछ सडन जो है चेंज होता है। व्यापार में हैं तो व्यापार में कुछ बढ़ोतरी हो जा चेंज होगा, लेकिन जो कुछ भी होगा दोस्तों वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव ही रहेगा, काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहेगा, लेकिन परिवर्तन जो है वो होना ही होना है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यदि आपके जन्म के बाद पिताजी को ये होगा, परिवर्तन होगा, जॉब में चेंज होगा, बिजनेस में परिवर्तन होगा, स्थान परिवर्तन होगा, यानी कुछ न कुछ चेंजेस जो है उनके लाइफ में होगा, ये तो आपके जन्म के बाद हो गया। जब पिताजी की मृत्यु होगी, पिताजी की जब मृत्यु होगी तो कुछ समय के लिए आपके लाइफ में एक बड़ा कष्ट आएगा, आपके लाइफ में एक बड़ा कष्ट आएगा। यानी पिताजी की मृत्यु के बाद आपको कुछ समय के लिए पिताजी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, यानी कि आपको कुछ समय के लिए तकलीफ होगा। तकलीफ क्या क्या हो सकता है? गवर्नमेंट से आपको कुछ तकलीफ हो सकती है, कोई लिटिगेशन जो है वहाँ कुछ आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, कुछ समथिंग आपको चेंज हो सकता है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपकी नौकरी में जो है बिना मन चाहे आपका ट्रांसफ़र हो जाए। यदि आप बिजनेस में हैं तो वहाँ जो है कुछ परिवर्तन हो जाए, और आपको जो है कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। यानी कि पिताजी की मृत्यु के बाद आपके लाइफ में कुछ समय के लिए तकलीफ आएगा, आपके लाइफ में जो है कुछ समय के लिए तकलीफ आएगा जो है। अब उसमें तकलीफ कितनी बड़ी होगी, क्या बहुत बड़ी तकलीफ होगी? तो उसके लिए दोस्तों आपके थर्ड हाउस में सूर्य की पोजीशन क्या है। सूर्य बहुत अच्छे पोजीशन में है, अपनी राशि का है, उच्च का है, तो आपको ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होगी। लेकिन यदि सूर्य खराब है तो पिताजी की मृत्यु के बाद आपको तकलीफ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि दोस्तों सूर्य जो है नाइन्थ हाउस से पिता का कारक ग्रह है सूर्य, और नाइन्थ हाउस से सूर्य जो है 180 डिग्री पर है। पिताजी की मृत्यु जो है चौथे घर से देखते हैं, चौथे घर से वो 360 डिग्री पर है, जो कि निगेटिव है। यानी कि आपके जन्म के बाद पिताजी के लाइफ में परिवर्तन, और पिताजी की मृत्यु के बाद आपके लाइफ में कुछ तकलीफ का परिवर्तन ये होगा। तो दोस्तों ये सूर्य सिद्धांत का, थर्ड हाउस के सूर्य का ये रूल है। दोस्तों आप लोग ज्योतिष जाने या ना जाने, आप एक कुंडली में आपके लग्न में कोई भी गिनती लिखी हो, आप तीसरे घर में देखिए कि सूर्य बैठा है तो उसका ये फल आपको जो है इसमें कुछ न कुछ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमारा ये चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए,
और लाइफ में आपको कोई भी समस्या है तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको शेयर बाज़ार करना है तो आपकी कुंडली में शेयर बाज़ार का योग है कि नहीं है उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आपको रेगुलर ट्रेडिंग करना है तो आप हमारे मंथली मेंबर भी बन सकते हैं। जय श्री राम।